आज जैन दर्शन पर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधकार छाया। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दीक्षा दी, चिरकाल साधना की और जैनत्व की शियाद पताका को लहराया, लेकिन दीर्घकाल की अस्था से आज वो आत्मा समाधिस्था को प्राप्त हुई है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन के साथ संघ को संभाल के रखा, समाज और देश को संदेश दिए। आज आवश्यकता है, अब हम महाराज को तो नहीं देख सकते, लेकिन जितने श्रमण हैं उन सब का दायित्व तो है कि आचार्य महाराज ने जिस जैनत्व की रक्षा को किया है, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, शांति सागर, इन आचार्यों के जाने पर महावीर कीर्ति विमल सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, इन महान आचार्यों के समाधिस्थ होने पर आचार्य महाराज ने संपूर्ण समाज को संभाल के रखा, देश को संभाल के रखा। आज हम समझते हैं संपूर्ण राष्ट्र, समाज और श्री संघ अंतस में व्यतीत होंगे, परंतु विथा से काम नहीं चलेगा। आचार्य महाराज ने जो श्रेष्ठ चर्या का पालन किया, उस चर्या का सभी पालन करें। और प्रत्येक श्रवण का धर्म है कि अपने आप में इस बात दायित्व को समझें कि जैनत्व का भार हमारे ऊपर है। उनकी निर्मल साधना और निर्मल आराधना अवश्य भावी काल में उनको निर्वाण का कारण बनेगी। अब जो है ज्येष्ठ जो मुनिराज है, समय सागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, योग सागर जी, इन सभी मुनिराजों का दायित्व है आचार्य महाराज की इस विरासत को संभाल के रखें, संग बिखरने ना पाए, ऐसा काम अवश्य किया जाए जिससे कि आचार्य महाराज की वह पताका दीर्घकालीन प्रभाव मार रहे हैं, श्रवण संस्कृति जयवंत हो। अंत में संपूर्ण मुनि संघ कार्य श्रेय करेंगे और सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक उस आत्मा को परम निर्वाण की प्राप्ति हो, स्वर्ग से शीघ्र चित होकर के मनुष्य प्रिया को प्राप्त करके पुनः जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके निर्वाण श्री को प्राप्त करें, यही मंगल भाव। ओम नमः सिद्धि।